रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत हथियारों के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है, खासतौर पर सेना के इस्तेमाल वाले हेलीकॉप्टर के मामले में, जो अब तक भारत रूस से खरीदता रहा है। खबर है कि जंग के कारण भारत को ऐसे हेलीकॉप्टरों की मरम्मत करवाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारत इन हेलीकॉप्टरों के पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। जंग की वजह से भारत अपने खराब हेलीकॉप्टरों की मरम्मत नहीं करवा पा रहा। इसके अलावा सुखोई 30 ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे अपग्रेड करने का काम अब तक तेज हो जाना चाहिए था, लेकिन जंग की वजह से अपग्रेडेशन होना भी मुश्किल लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से भारतीय फौज में शामिल Mi-17 हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग सबसे बड़ी परेशानी है। लंबे वक्त से सेवाएं दे रहे ये हेलीकॉप्टर 2028 तक फेज आउट किए जाने हैं, मतलब इन्हें धीरे धीरे सेना से हटाया जाना है। जाहिर है काफी पुराने हो चुके इन हेलीकॉप्टरों को सबसे ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत है, लेकिन जंग के कारण ये काम अब मुश्किल हो रहा है। खबर है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तेजी से Mi-17 हेलीकॉप्टर का विकल्प तैयार करने पर काम कर रही है। दावा यह है कि जितने भी Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के पास कम होंगे, उनकी भरपाई करने के लिए भारत खुद हेलीकॉप्टर बनाएगा। ये हेलीकॉप्टर सेना के तीनों अंगों के काम आ सकते हैं, मतलब थल सेना, वायु सेना और नौसेना के इस्तेमाल के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर देश में ही बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि अब तक भारत बड़े पैमाने पर अपनी इन जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। अब तक भारत ने रूस से जो Mi-4 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं उनकी गिनती 110 है। इसके अलावा 128 हेलीकॉप्टर Mi-8 हैं, जो Mi-4 का अपग्रेडेड वर्जन। Mi-17 हेलीकॉप्टर की संख्या सबसे ज्यादा है, ऐसे 160 हेलीकॉप्टर भारतीय फौज के पास है, जबकि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर इस सीरीज के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे 151 हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से खरीदे थे। अब खबर है कि बहुत जल्द भारत में इस तरह के हेलीकॉप्टरों का विकल्प तैयार करने पर काम शुरू हो जाएगा।